हर किसी को बहुत खूबसूरत बनाता है और कहते हैं आईना इस खूबसूरती की पहचान करवाता है और अगर यह खूबसूरती हर इंसान के दिल में हो तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी बन जाती है। यह पंक्तियाँ आज उसी खूबसूरत इंसान के लिए हैं जिसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं डुगरी लुधियाना में मिसिस सोनिया चंदोक के घर, जो मिसिस करनाल बन चुकी हैं, मिसिस इंडिया की फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं, मिसिस एशिया पैसिफिक बन चुकी हैं और भी इन्होंने कई अचीवमेंट्स को अचीव किया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस ब्यूटीफुल लेडी से। वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग सो मच ऑफ अवार्ड्स। थैंक यू। तो सबसे पहले सोनिया मैम, आप ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली करनाल से बिलोंग करती हूँ। मेरे इन लॉज जो हैं वो दिल्ली से हैं और मुझे भी यहाँ पर आए हुए 6 साल हो चुके हैं। तो मैम, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपको इस ब्यूटी पेजेंट्स वाली लाइन में कैसे आपका इंटरेस्ट बना और कब ये जर्नी स्टार्ट की आपने? ओके, एक्चुअली स्कूल कॉलेजेस में मैंने काफ़ी अवार्ड्स जीते थे, काफ़ी प्राइजेस जीते थे। मैं स्कूल टाइम में अपनी बेस्ट डांसर अवार्डेड रही थी और मैंने काफ़ी प्राइजेस जीते थे। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी मैंने काफ़ी डांसिंग में प्राइजेस जीते थे, पेंटिंग्स में। तो एक तरह से ऑलराउंडर रही हूँ हमेशा। और कॉलेज टाइम में भी मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद ये था कि कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि पहले इतना नहीं था जितना आज ये फेमस होता जा रहा है। और आजकल में भी सभी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और बहुत जिनमें एबिलिटीज़ हैं वो बाहर निकल कर आ रही हैं। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। फिर इसके बाद जैसे कॉलेज ख़त्म किया, फिर जॉब की ICICI बैंक में, और उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद 2-3 साल ऐसे ही रहा। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद जब मैं यहाँ लुधियाना आई, तो तब यहाँ से मुझे लगता है कि मेरी जो जर्नी है दोबारा स्टार्ट हुई। जो एक अंदर बहुत सारा टैलेंट था और एबिलिटीज़ थी, कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग से ही था नो डाउट, लेकिन ये था कि वो एक टाइम पीरियड था कि उस टाइम बच्चों को केयर ज़्यादा ज़रूरी थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो एक टाइम होता है जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे पाते हो। तो धीरे धीरे जैसे मैंने संगनी क्लब ज्वाइन किया, काफ़ी है ना ये इवेंट्स होते थे हमारी क्लब्स में जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और विन किया। मुझे याद है कि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ गई थी जब मैंने ये ज्वाइन किया था संगनी क्लब, और फर्स्ट टाइम में ही मैं वहाँ पर विनर बनी थी, करवा क्वीन बनी थी। तो मुझे लगता है कि वही होता है कि जैसे जैसे आपको एक सक्सेस मिलती रहती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता रहता है, तो आपको एक अपनी दिशा अपने आप दिखने लग जाते हैं, आपको वेद खुद दिखने लग जाता है कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। तो मैम, आप इतना बड़ा टाइटल विन करके आई हैं मिसिस करनाल का, तो आफ्टर मैरिज आपको किसकी तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला? फैमिली में सबसे ज़्यादा किसने आपको मोटिवेट किया इस तरफ जाने के लिए? देखिए, फैमिली का सपोर्ट तो ऑब्वियस है, अगर नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द मैरिड वुमेंस, उनका जो बहुत ही अच्छा सपोर्टर होता है वो उनका हस्बैंड होता है। तो डेफिनेटली उन्होंने मुझे बैकअप किया। उनकी एक ही लाइफ में लाइन होती है, वो अभी नहीं, वो स्टार्टिंग से ही एक बात मुझे कहते थे कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। तो वो एक मोटिवेटिव लाइफ है ना, वर्डिंग्स है मेरे लिए कि वो कहते हैं कि कुछ भी करना चाहते हो उसको अपने अंदर मत दबा के रखो, वो करो। और हमारे पास उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, आप जब जागोगे तब सवेरा है। इस लाइन में आपको सबसे पहले किसने कन्विंस किया, या आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि आपने इस लाइन में जाना है, या किसी ने आपको गाइड किया कि यू शुड गो फॉर दैट ब्यूटी पेजेंट्स एंड ऑल? कहते हैं ना कि जब लाइफ में कुछ चेंज आना होता है तो वो सडनली आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इस उसमें मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर एक मिसेस पंजाब हुआ था जिसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड है शिप्रा, जो कि हम दोनों ने इकट्ठे डिसाइड किया कि हम जाएंगे और एक कोशिश तो करके देखें, मे बी हाँ किस्मत हमारा साथ दे जाए। और हम गए और हमने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया और सेमीफाइनल तक मैं वहाँ पर गई और बेस्ट 10 में मैं वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाई और उन्होंने मुझे एज ए मतलब 11 उन्होंने मुझे दिया था, बट कुछ ऐसे था कि उसमें मैं आगे नहीं जा पाई। लेकिन एक शुरुआत हो चुकी थी, अब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं?
रोल मॉडल मैं अगर कहूँ तो मैं अपने हस्बैंड को ही मानती हूँ रियली में, क्योंकि मैंने ये देखा है कि प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो वो किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं, वो किस तरह से हर चीज़ को बहुत ही स्वीटली हैंडल करते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वही मेरे एक्चुअल में रोल मॉडल है। तो मैम मिसेस इंडिया में भी आई थिंक आप फर्स्ट रनर अप का खिताब जीत के आए हैं, वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? देखिए मैं एक लाइफ में लर्नर हूँ और एज ए लर्नर मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ लर्न करती जाऊँ, और मैंने जितने भी ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया है वहाँ से मैंने हर एक पेजेंट से कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ प्लस 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 होता जा रहा है, तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में हर एक ब्यूटी पेजेंट से कुछ ना कुछ प्लस होता जा रहा है। इतने सारे टाइटल्स विन करने के बाद आपका एक मेन मोटिव क्या रहेगा आने वाले टाइम पे? इतने सारे पेजेंट्स जीतने के बाद मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करूँ कि जो लेडीज़ हैं स्पेशली जिनकी फैमिलीज उनको कुछ सपोर्ट नहीं करती हैं, मैं उन लेडीज़ की हेल्प कर सकूँ। डेफिनेटली आजकल हर फैमिली अपने है ना, फैमिली में जितनी भी लेडीज़ हैं गर्ल्स हैं, मैंने देखा है कि आजकल बच्चों को भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लेडीज़ की भी मैं हेल्प कर सकूँ जिनके है ना, जिनके फैमिलीज मेंबर्स या उनके हस्बैंड इन चीज़ों को सोचते हैं कि ये इतनी अच्छी नहीं होती लेडीज़ के लिए, मैं उनको ये चीज़ें समझा सकूँ कि नहीं, आप अपने घर की बेटियों को बहुओं को सबको सपोर्ट कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि वो आपका नाम रोशन कैसे कर सकती हैं। ये थे सोनिया मैम, जिनको आज आपने देखा कि इन्होंने कितना कुछ किस वे से अचीव किया है। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।